दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। योगी सरकार का फैसला, यूपी में 26 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को झटका, डीए डीआर की नई किस्तें सहित 6 भत्तों पर रोक। दोस्तों जानेंगे इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। कोरोना संक्रमण से लड़ रही राज्य सरकार ने वित्त संसाधनों की तलाश में राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की नई किस्तों का भुगतान नहीं करने का फैसला लिया है। डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान सरकार नहीं करेगी। अब सीधे 1 जुलाई 2021 से नई किस्तों का भुगतान होगा। नगर प्रतिकर सहित आधा दर्जन भत्तों को भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। डीए डीआर और भत्तों की कटौती किए जाने से सालाना करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ से सरकार को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा बड़े दरों पर 3 डीए और डीआर के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। राज्य सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है और कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की जरूरत है। राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान नहीं की जाएगी। इसी तरह राज्य सरकार के पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को इन 3 अवधि में महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अवधि में मौजूदा दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा। 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों को जारी करने का निर्णय लिए जाने पर उपरोक्त 3 महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों की दरों को सरकार बहाल करेगी। इस दर को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाले संशोधित दर में शामिल किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ते के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा पुलिस विभाग की अपराध शाखा CBCID, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा तथा विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष वेतन, अवर अभियंताओं को मिलने वाले विशेष भत्ता, PWD में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता तथा डिजाइन भत्ता और सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अनुमन्य IP तथा अर्दली भत्ते को स्थगित कर दिया गया है। ये भत्ते 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए स्थगित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ा झटका लग चुका है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई है। 2021 तक के लिए रोक लगाई गई है। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, आप लोग उत्तर प्रदेश के किस विभाग में कार्यरत हैं? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने विभाग का नाम लिखिए, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।